पटाया की बीच फेमस है, पटाया की नाइट लाइफ फेमस है, पटाया की और काफी सारी चीजें हैं। आज हम जा रहे हैं थाईलैंड में हेयर कटिंग के लिए। हल्की फुल्की बारिश हो जाए और उसके बाद ऐसी लाइटनिंग हो। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो स्वागत है एक और नई वीडियो में थाईलैंड के शहर पटाया से। पटाया आप लोगों को पता है बहुत फेमस सिटी है थाईलैंड में। इंडियंस तो बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ पे। पटाया की नाइट लाइफ बहुत फेमस है, यहाँ की बीचेस बहुत फेमस है और यहाँ की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी वगैरह बहुत फेमस है। पता नहीं क्या हुआ, मैं 3 दिन से कंटिन्यू ट्रेवल कर रहा था, तो मैं ढाका से कोलकाता, कोलकाता से बैंकॉक, बैंकॉक से पटाया, यहाँ तक आते आते मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। मुझे लग रहा था कि तबीयत बिगड़ेगी, तो कल तो बहुत ज्यादा बिगड़ गई, परसों भी मैं कहीं नहीं गया, कल भी मैं कहीं नहीं गया, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। परसों मैंने जिस होटल को बुक किया था ना, वो होटल में वहाँ पे पहुंचा तो उसने बोला भाई होटल हमारी फुल है, हम दूसरी जगह आपको दे सकते हैं रूम। तो मैंने बोला यार अब मैं क्या करूँ, मैं कहीं दूसरी जगह होटल बुक करूँ? तो फिर मैंने उसे बोला चल ठीक है दिखा दे यार। अब मैंने जो बुक किया था ना रूम, उसी के बदले उसने एक खचाड़ा सा रूम दिया मेरे को, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, मैं थका हुआ था। मैंने सोचा यार ठीक है अब तू जो देगा ना मैं वहाँ रह लूँगा। ये रूम दिया उसने भाई ने, इतना कोई खास ज्यादा अच्छा नहीं है, और इसका 500 baht मैंने पे किया है। ये देखो ऐसे नॉर्मल सा खचाड़ा सा रूम दिया, और ये देखो बाहर यहाँ की थाईलैंड की स्कूल वगैरह देखो आप लोग। ये सामने कोई पता है कि स्कूल है, थाईलैंड की स्कूल वगैरह मैंने कभी विजिट नहीं की है। वो सामने वॉकिंग स्ट्रीट दिख जाएगा आप लोगों को, यहाँ से ओशन समुद्र भी दिख रहा है। वो देखो शिप खड़े होंगे, जहाज खड़ी होगी छोटी छोटी उसमें। अभी यहाँ पे दोपहर के 12 बजे, 12 बजे की हलचल कुछ ऐसी है। काफी बड़ा स्कूल है यार सामने, ये यदि मौका मिला तो घूमूंगा, देखे विजिट करूंगा। अभी यहाँ पे कोई हॉस्टल मैंने बुक किया है, ये 500 baht दे रहा हूँ, हॉस्टल है जो 200 baht का है। हॉस्टल अच्छा रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लाइट वगैरह अच्छी नहीं है, ये इनका एसी भी काम नहीं करता, फैन वगैरह कुछ नहीं है। तो अभी हॉस्टल में चेक इन करूंगा, यहीं से पास में ही, मतलब 4-5 मिनट की वॉकिंग है। और फिर मुझे बाल वाल भी कटवाने हैं यार, बाल वाल बहुत बड़े हो गए, थोड़ा बहुत घूमूंगा फिरूंगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हो भाई कटिंग वटिंग तो करवा ले। अभी 12 बजे हैं, मेरा उस हॉस्टल में चेक इन है 2 बजे का, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से थोड़ा सा लेट कर दूँ, यहाँ का चेकआउट टाइम है 12 बजे का, लेकिन मैं उनको बोल दूंगा यार थोड़ा सा मैं आधे घंटे बाद लेट चेकआउट करूंगा। यहाँ पे चेक इन चेकआउट का बड़ा लगता है, 12 बजे चेकआउट करो बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं देते, और चेक इन करोगे तो आप मान लो 11 बजे पहुँच गए ना, तो आपको 2 बजे तक बिठाए रखेंगे, बिल्कुल भी अर्ली चेक इन नहीं देते। कोई भला मानुस मिल गया ना आप लोगों को तो अर्ली चेक इन दे देगा, नहीं बिल्कुल भी अर्ली चेक इन नहीं देते। तो मैंने सोचा बाहर चल के कुछ खा पी लेता हूँ, तब तक 12:30 बज जाएंगे, फिर यहाँ से चेकआउट करके मैं निकलूँगा, पैदल पैदल जाऊँगा, तब तक 1 बज जाएगा और 1 घंटा तो वहाँ बैठ ही सकता हूँ। मेरी जस्ट होटल के बाहर ना टेम्पल वगैरह काफ़ी हैं, थाईलैंड के टेम्पल बहुत फेमस है। मुझे बड़ा मन है मेरा थाईलैंड वगैरह, कंबोडिया वगैरह के टेम्पल वगैरह को एक्सप्लोर करने का। देखो थाईलैंड की वीडियोस की बात ऐसी है, यहाँ पे ना तो आपको कुछ कल्चर वगैरह दिखाऊंगा मैं, या कुछ एडवेंचर वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। नाइट लाइफ वगैरह में यहाँ के लोकल ठीक है, मार्केट वगैरह घूमने में, नाइट लाइफ में, वाटर स्पोर्ट्स में, बीचेज में इंटरेस्ट है तो आप लोग थाईलैंड की सीरीज देख सकते हैं, नहीं आप लोगों की मर्जी, आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। 12 बजे, 12 बजे यहाँ पे कोई हलचल भीड़ भाड़ नहीं मिलती। आप लोगों को पटाया में जो भी चीज़ें देखनी है, भीड़ भाड़, नाइट लाइफ वगैरह, बियर बार वगैरह, पब वगैरह, वो सब नाइट में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक अच्छी बात है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रीट फूड वगैरह आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, यहीं पे हम लोग खाने वाले हैं खाना। हाय हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम? मिची। तो नॉन वेज ऑप्शन में हम लोग लेते हैं चिकन कबाब, फ्राइज एंड सैलेड, ये मुझे ठीक लगता है यार। कभी भी थाईलैंड आओ तो मेन स्ट्रीट में खाना खाओगे ना, वहाँ बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा, और मेन स्ट्रीट से थोड़ा सा अंदर इधर उधर आजू बाजू में खाना खाओगे ना, बहुत सस्ता खाना मिलेगा। ये खाना आ गया अपना, चिकन कबाब, फ्राइज, कुछ सैलेड है, 240 baht प्राइस है, जो हो गया 562 Indian rupees। यू डोंट हैव स्मॉल मनी भाई, कल ये बंदी है ना, मैं यहाँ पे खाना खा रहा था, मेरा फ़ोन यही भूल गया, ये बंदी ना पीछे बक के रोड पे वहाँ तक बक के गई और मेरा फ़ोन लौटा के आई मेरे को वापस। मैं सोचा भाई आज तो बच गया तेरा फ़ोन, नहीं तो आज पक्का 1 लाख का फटका लगने वाला था। लौटा देते हैं, यहाँ के लोग अच्छे हैं थाईलैंड के। हाँ टैक्सी वाले ज़रूर स्कैम कर देते हैं भाई, टैक्सी वालों को मैं कहूँगा थाईलैंड में टैक्सी वालों का स्कैम होता है। सारा सामान वगैरह उठा लिया, अब चलता हूँ हॉस्टल, यहाँ से कितना दूर बता रहे, जहाँ मैंने होटल ले रखी थी ना उससे यार 300 meter दूर ही है, तो पैदल का 4 मिनट का रास्ता बता रहे हैं, 4 या 5 लेकर लगभग मैं निकलूँगा यहाँ से बाहर घूमने फिरने। अभी यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है,
यही गली आपको शाम के 8 बजे बाद ना बिल्कुल भरी हुई मिलेगी, पैर रखने को भी जगह नहीं मिलती यहाँ पे इन गलियों में। इंडियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन फूड, केरला हाउस, इंडियन रेस्टोरेंट भरे पड़े हैं यहाँ पे थाईलैंड के अंदर। और यहाँ पे देखो मसाज वगैरह सारे के सारे मसाज सेंटर है, बुआ मसाज। और मेरा हॉस्टल यहाँ से आ ही गया, पूरी लाइन है ना ये मसाज सेंटर की है आगे तक। थाई मसाज आपको पता है पूरी दुनिया में फेमस है, फुट मसाज हो गया, हेड मसाज हो गया, शोल्डर मसाज हो गया, बैक मसाज। ये यहाँ पे एक और इंडियन रेस्टोरेंट आ गया। चेक इन करके और मैं इधर जाऊँगा, सामने ओशन दिख रहा होगा आपको। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ खाली खाली गलियाँ यहाँ की, पूरा खाली पटाया। आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में। ये लो जी क्या हमारा अच्छा दिख रहा है यार, अच्छी वाइब्स आ रही है। गर्मी बहुत है, अभी मंथ चल रहा है यहाँ पे नवंबर, और नवंबर महीने में इतनी गर्मी है। अपने तो इंडिया में सर्दी पड़ने लगी है, आप लोगों को पता है। हेलो, आई हैव बुकिंग, आई हैव बुकिंग, बुकिंग हॉस्टल। ओके हॉस्टल बुकिंग डॉर्मेट्री। ओके ये वाला हॉस्टल लिया है मैंने। ऐसे लग रहा है ना भूतिया हॉस्टल, भूतिया हॉस्टल नहीं है यार, अच्छा हॉस्टल है। मैंने ये वाला बेड लिया है 200 baht में, क्या ही बुरा है। वहां पे उस गंदे से होटल का ना 500 baht दे रहा था, तो उस गंदे से होटल से तो अच्छा ही है कि 200 baht वाले हॉस्टल में रह लिया जाए। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था भाई, यहाँ पे गर्मी बहुत लग रही है, लेकिन वो थी उमस, और यहाँ पे अभी बारिश हो गई है मस्त वाली। जितनी ज्यादा गर्मी लग रही थी उस टाइम, उतनी ज्यादा अभी यहाँ पे बारिश हो गया है। अभी शाम का बजा है 3:30। पूरी पटाया सिटी में टुक टुक चलते हैं, आप लोगों को बता दूं ये टुक टुक लेते हैं मात्र 10 baht। आप लोग पटाया सिटी में कहीं भी जाओ है? लेट बाद में आएगा। यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट इतने हैं ना, हर जगह इंडियन आवाज लगाते मिल जाएंगे। हेलो बाबू जी, खाना खा लो, फलाना दिखना। शाम को भी ना खाली पड़े रहते हैं। मैं कई इंडियन रेस्टोरेंट में गया हूँ, जो मेन स्ट्रीट में है ना वो तो चलो ठीक है, उन पर तो आती रहती है भीड़ भाड़। बाकी जो आजू बाजू में, जैसे अब मैं अंदर गलियों में आ गया, तो इधर के रेस्टोरेंट ना खाली मिलेंगे आप लोगों को। 3:30 बज गया लेकिन अभी भी गलियां सुनसान ही पड़ी है यहाँ की। पूरा पटाया सिटी ना इंडियन रेस्टोरेंट और इंडियन होटल से भरा पड़ा है। हम लोग आ गए यहाँ के फेमस पटाया सिटी बीच पे। ये बीच अभी जितना खाली दिख रहा है ना 8 बजे, उतना ही ज्यादा भीड़ भड़ाका यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। शाम को यहाँ पे हर कोई बियर वगैरह लेके बैठा रहता है। वहाँ सामने 7-Eleven यहाँ की शॉप्स वगैरह होती है, वहाँ से 80-90 रुपए में बियर मिल जाता है। ये बोट वगैरह देख के आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह कितना क्या होता होगा। कल जाऊंगा वैसे मैं वाटर स्पोर्ट्स वगैरह के लिए। और वो सामने है जो पटाया सिटी का बोर्ड लगा है, ये सारे के सारे जो सामने आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे मसाज सेंटर हैं। अब यहाँ पे कोई मैं वो देखता हूँ यार, हेयर कटिंग वाला देखता हूँ। वैसे यहाँ पे एक लेडी है, बी बार्बर नाम है उस शॉप का। मैं सर्च कर रहा था अभी बैठा बैठा यहाँ पे, बार्बर शॉप नियर मी, तो वो बी बार्बर है ना, सबसे ऊपर उसी का आ रहा था। एक बात बता दूँ, यहाँ पे ज़्यादातर जो बार्बर शॉप मिलेगी ना उनमें महिला ही मिलेगी, लेडीज़ बहुत सारी मिलेगी बार्बर शॉप में। एक ग्रेप बाइक बुक की है मैंने, भाई आ गए अपना। या लेट्स गो ब्रदर, हाउ आर यू, यू आर गुड। यहाँ पे सारे के सारे जो मसाज सेंटर है ना ये 2 बजे खुल जाते हैं, 2-3 बजे के लगभग खुलते हैं। चलो जी हम लोग पहुंच गए बार्बर की शॉप पे। ये है बार्बर बीच शॉप। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, कटिंग वगैरह करवाते हैं। ये 2 फीमेल बार्बर यहाँ पे हैं। ये है बी बार्बर। हेलो, देखते हैं थाईलैंड में हेयर कटिंग का एक्सपीरियंस कैसा होने वाला अपना। I'll speak slowly.
My name is Kailas. Kailas, I'm B. Your name? B. B. Yes. What is your full name? Robina. Robi. Robina. How are you? Just normal cutting. B barber soap is very famous in Thailand, Pattaya. That's why I came here. मेरी लाइफ में ना दूसरी बार किसी महिला से बाल कटवा रहा हूँ, वो भी मैं थाईलैंड में ही कटवाए दोनों बार। मैं लास्ट टाइम यू कैन कैरी ऑन। कैन यू टीच मी थाई लैंग्वेज? हाउ टू से थैंक यू इन थाई? कपू का $200. Okay, thank you. बेसिक हेयर कट 200-250 बात, आप लोगों को ये सारी प्राइस वगैरह मेंशन मिल जाएगी। आप लोग कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं, आप लोगों को हेयर कट करवाना हो तो। ठीक है यार, मतलब वहाँ पे मुझे अंदर अजीब सा लग रहा था यार। ठीक है, ये वाली शॉप है ना पूरे पटाया सिटी में बहुत फेमस है। बार्बर भी, किसी भी यार बार्बर शॉप में चले जाओ, लड़कियाँ मिलेगी। हेयर कटिंग का जो प्राइस था वो मैंने पे किया है 200 बात होता है 470 इंडियन रुपीज। यही हेयर कट आप इंडिया में 100 रुपये में, 70 से 100 रुपये में ले सकते हो। पटाया में, थाईलैंड में हेयर कट करवाओगे तो महंगा तो पड़ेगा ही, और वो भी लड़कियों के बार्बर शॉप में जा रहे हैं तो वहाँ तो और भी महंगा पड़ना है। कटिंग करवाने के बाद हॉस्टल गया, नहाया धोया, फिर वापस से अब शाम का बस गया यहाँ पे 7:30। अब एक्सप्लोर करूंगा, अभी भी हल्का हल्का बारिश हो रहा है, लेकिन अब मैं एक्सप्लोर करूंगा। दो चीज़ें दिखाऊंगा मैं आप लोगों को यहाँ पे, एक तो नॉर्मल जो स्ट्रीट्स है ना वो, और एक दिखाऊंगा यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट। तो वॉकिंग स्ट्रीट को हम लोग इस वाले वीडियो में इंक्लूड नहीं करने वाले, नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा वो आएगा वॉकिंग स्ट्रीट का। अच्छी खासी बारिश हो गई, जिस दोपहर में जितनी गर्मी थी ना अब उतनी ही ठंड हो गई है यहाँ पे। सारे के सारे है ना ये आप लोगों को मिलेंगे मसाज सेंटर है सारे के सारे। हल्की फुल्की बारिश हो जाए और उसके बाद ऐसी लाइटनिंग हो तो क्या ही मज़ा आता है ना रात में घूमने में। यहाँ पे स्ट्रीट फूड के ठेले वगैरह लगे रहते हैं, बहुत वैरायटी का स्ट्रीट फूड मिल जाएगा यहाँ पे। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ यह है कि जो प्योर वेजिटेरियन है ना उनके लिए कभी कभी दिक्कत हो सकता है। आज यार इतना खाली क्यों है? बारिश की वजह से खाली है क्या? मुझे तो ऐसा ही लगता है। मेजर सिनेप्लेक्स काफ़ी बड़ा ही कोई शॉपिंग मॉल है, इसमें नीचे है जो लाइव म्यूजिक वगैरह चलता रहता है। देखो 120 बात का आपको टी शर्ट मिलेगा, जो कोई खास ज़्यादा महंगा तो है नहीं। कपड़ा भी कोई खास ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है 120 बाद में सारी ड्रेस। अच्छा सर,
बस पटाया में यही है, नाइट लाइफ वगैरह देख लो, स्ट्रीट वगैरह देख लो, वहाँ का लोकल फूड वगैरह एक्सप्लोर कर लो। यदि आप लोग कल्चर वगैरह एक्सप्लोर करना चाहो तो फिर यहाँ के गाँव में जाना पड़ेगा। साउथ ईस्ट एशिया की सारी कंट्रीज की रूरल लाइफ सेम है, किसी भी कंट्री की रूरल लाइफ में आप लोगों को कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपको ऐसे रिक्शा बार भी बहुत मिल जाएंगे, ऐसे कोई भी गाड़ी खड़ी कर लेते हैं लोग, यहाँ पे चेयर वगैरह डाल लेते हैं गाड़ी में, जो बियर वगैरह दारू वगैरह सब रखेंगे और यहाँ पे चेयर वगैरह डाल के एकदम मस्त वाला बार बना देंगे। और ये शाम के 6 से 7 बजे के लगभग ये गाड़ी वगैरह आती है यहाँ पे, दिन में नहीं मिलेगी ये गाड़ी वगैरह यहाँ पे। और अभी 1 घंटे बाद इतना भीड़ लगेगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये पूरा का पूरा बार में कन्वर्ट हो जाएगा ये जगह। यहाँ पे भी वैसा ही एक ओपन बार सज रहा है अभी चेयर वगैरह डाल के, अभी तो शुरू ही हो रहा है मार्केट यहाँ का। थाईलैंड में जहाँ भी जाओगे ये 7-Eleven मिलेगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, बियर वगैरह बड़ी सस्ती मिलती है यार इसमें। ये देखो 2 का कॉम्बो आप लोगों को 120 baht में मिल जाएगा, और लियो बियर है सिंगल है जो 61 baht का मिलेगा, पत्सिंगा भी है कि लोकल बियर है वो भी 64 baht का है, तो कोई खास ज़्यादा महंगा नहीं है। 64 baht 130-135 rupees के लगभग होता है, तो 130-135 rupees में यहाँ पर बियर मिल जाती है। और बाहर यही बियर आप लोगों को मिलेगी मोर देन 200 baht से ऊपर का मिलेगा, मतलब 200 baht के लगभग मिलेगा, तो आप लोग ले सकते हैं। मैं से ये 7-Eleven था, मुझे यहाँ से कुछ सामान वगैरह परचेज करना था, तो मैंने सोचा चलो चलते हैं इधर से, आप लोगों को बियर वगैरह का प्राइस भी बता ही देता हूँ। यहाँ पे दोनों बियर बहुत फेमस है, यहाँ पे लियो और सिंगा दोनों ही अच्छी है, सिंगा बियर ले लेते हैं हम लोग। मेरे हॉस्टल में ना अच्छी जगह है बैठ के पीने की, तो वहाँ जाइए, पूरा छत खाली पड़ा है, छत पे बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा उन लोगों ने बैठ के पीने का। यहाँ से करवाते पेमेंट 88। अभी यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने आया हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है आलू की सब्जी और 3 तवा रोटी। आलू सब्जी 130 baht का आलू सब्जी हो गया, 25 baht का तवा रोटी हो गया एक, तो मैंने 3 तवा रोटी और आलू सब्जी ऑर्डर किया है। भाई खाना आ गया है यहाँ पे अपना इंडियन खाना, आलू की सब्जी और चपाती। यहाँ पे अभी खाना खाया, उसका प्राइस था 230 baht। आप लोग थाई फूड खाओगे ना उतने ही प्राइस में यहाँ पे मुझे इंडियन फूड मिल गया। टेस्ट वगैरह थोड़ा सा डिफरेंस आता है यार, कंट्री चेंज होती है तो जाहिर सी बात है कि टेस्ट में डिफरेंस आएगा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा इंडियन फूड के साथ थाईलैंड में। यहाँ के जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट है ना, उनमें मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैक्सिमम है ना जो आपको बर्मा से म्यांमार से मिलेंगे। अब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आया कि जो ओनर है ना वो इंडियन है या फिर सारे के सारे ही बर्मा से हैं, क्योंकि वहाँ पे जो वर्कर थे ना वो सारे के सारे मुझे बर्मा म्यांमार से मिले, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन है ना नेपाल से है, और वो लोग ना बहुत अच्छी खासी हिंदी जानते हैं। तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि उनका ओनर भी नेपाल से है बर्मा से है, या फिर सारे के सारे ही वो लोग बर्मा नेपाल से हैं और इंडिया के नाम पर यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह होटल वगैरह खोल रखे हैं। मैं लगभग ये मान लो 4-5 जितने भी रेस्टोरेंट गया हूँ, सभी में मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि वहाँ पे जो वर्कर है ना वो बर्मा से, आज मैं इतना ज़्यादा नहीं घूमा, नाइट लाइफ वगैरह इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, कल यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट को एक्सप्लोर करूँगा। और यहाँ पे कोरल आइलैंड है शायद, वो भी मेरा जाने का प्लान है, देखते हैं कल का क्या प्लान बनता है। अभी चलते हैं, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, 1 million पहुँचा दे यार, क्या कर रहे हो यार, कितने दिन हो गए 1 million का इंतजार करते करते।